वेलकम टू मैडिंग स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जैसा कि 240 का 33% कितना होगा। अक्सर हम लोग दुकान में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है 30% डिस्काउंट। तो दोस्तों हम लोग कैसे इसको काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। प्रतिशत का दोस्तों मतलब होता है, अगर प्रतिशत की मैं अगर बात करूँ, ये बना है प्रति, प्रति का दोस्तों मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्रत्येक। और शत का दोस्तों मतलब यहाँ पर होता है 100, ठीक है, प्रत्येक शत का मतलब प्रत्येक 100, यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है, प्रत्येक 100 में कितना होगा, यानी कि 240 है तो 240 में 33% क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 240, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 240, और इसको क्या यहाँ पर बोल रहा है 33%, यानी कि 33 लिख देंगे, और नीचे में दोस्तों ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसी को हम लोग निकालेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 में यहाँ पर कितना बोल रहा है, 100 में 33, लेकिन यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो क्या है, वो है 240, यानी कि 240 में 33% कितना होगा। जिस तरीके से 100 में 1 होता है उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि 240 का 33% क्या होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर दोस्तों गुणा कर देंगे, लेकिन उसके पहले ये संख्या कट रही है कितने बार में, 50 बार में, 50 दूनी 100 और उसके बाद ये 120 बार में, फिर इसको दोस्तों काटेंगे तो ये हो गया 25 और उसके बाद ये हो गया 60 बार में 60, फिर इसको काटेंगे तो ये 30 दूना और ये ये तो कटेगा ही नहीं, इसको 5 से हम लोग को काटना पड़ेगा तो ये कितना कटेगा, 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 = 25, अब नहीं कटेगा तो ये क्या आ गया 12 × 33 और नीचे में क्या है 5 है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ये यहाँ पर गुणा करते हैं 12 और ये हो गया 33, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 यानी कि 9 हो जाएगा जोड़ने पे, और 3 × 1 = 3 यानी कि 396, तो ऊपर में दोस्तों क्या हो जाएगा 396 यानी कि 396/5। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो आइए इसको दोस्तों भाग लगाते हैं 5 से, ये कितना है 3 है 9 है 6 है, तो 5 के पारा में 3 नहीं आता, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आता है कितना 39 हो जाएगा ना, तो 39 नहीं आएगा, उससे कम आएगा कितने बार में 35 आएगा, 7 बार में, तो ये मैंने लिख दिया 35। उसके बाद इसको दोस्तों माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 उतरेगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 45, ठीक है, ये हो गया 5 × 9 = 45 कट गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 दशमलव लगाएंगे 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के पारे में 2 बार में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये हो गया कैंसिल, यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 79.2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 240 का जो 33% है वो कितना है, वो ये है, ठीक है, ये वाली संख्या है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं।